भाई मैंने तो जब ये कहानी सुनी थी तो मुझे अच्छी फिल्मों की याद आई जो राजेश खन्ना साहब और शबाना आज़मी जी के ऊपर थी, स्मिता पाटिल जी और राजेश खन्ना जी के ऊपर थी। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ही अनछुआ है और बहुत ही बर्निंग टॉपिक है ये कि जब कोई सिंगल रह जाता है शादी के उस मकाम पे, उम्र के उस मकाम पे जब कि उसे साथी की ज़रूरत होती है, उस वक्त वो साथी जब साथ छोड़ जाए तो वो अकेला या अकेली क्या करे। ख़ास तौर पे जब बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं। तो जब मुझे ये सब्जेक्ट बताया मेहमानी साहब ने, तारिक साहब ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और साधना जी वो रोल कर रही थी सिंगल लेडी का, तो उसमें जब मुझे रोल बताया कि एक ऐसा है जो इनका बिछड़ा हुआ दोस्त है और जिसको पता चलता है कि ये ऐसी प्रॉब्लम में है, तो फिर वो अपने तरीके से इनकी हेल्प करता है। और वो सब फिल्म में आप देखेंगे और एंड में वो क्यों ये सब कर रहा है वो भी पता चलता है। तो ये फिल्म का सबसे बड़ा जो है वो कंटेंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंसेज ऑफ कोर्स साधना जी मंजी हुई एक्ट्रेस हैं, तो इन्होंने काफ़ी होल्ड किया है फिल्म को। और मैं बहुत खुश हूँ कि इसको ये ऐसा समय आया है जब ये रिलीज़ होने पे है, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि ये फिल्म ऐसी फिल्में बड़े स्केल में रिलीज़ होनी ही चाहिए और ये माहौल भी ऐसा है, तो आइए बीच दें माहौल भी ऐसा है। हाँ, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जब ये सब्जेक्ट मैंने सुना तो मुझे थोड़ा ओल्ड फैशन लगा। मुझे लगा काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और मुझे लगा आज की औरत जो ज़्यादा बोल्ड है वो ज़्यादा स्टैंड ले सकती है, वो इस तरह की चीज़ें लेगी नहीं। लेकिन उस दौरान ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई हमारे आसपास कि पढ़ी लिखी औरतें भी जो ये फेस कर रही थी, और मैंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम कभी गई नहीं थी, ये अभी भी है और इससे ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। जो आजकल के नवयुवक हैं, जो बच्चे हैं, जिस तरह से उनकी उनका थॉट पैटर्न है, इट्स गोइंग टू बी वर्स्ट। अकेलापन बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ते जा रहा है, और बच्चे एक उम्र के बाद अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि वो माँ बाप की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, और ये बड़ी आम सी चीज़ दिखने लगी है मुझे। तो मुझे लगा नहीं, ये ओल्ड फैशन कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि ये अभी भी बहुत बर्निंग है ये इशू। और करते समय भी मुझे मतलब इस चीज़ का बहुत कन्विक्शन था, तो मैं कर पाई, क्योंकि जिस चीज़ में आपका कन्विक्शन नहीं हो आप उतनी अच्छी से कर नहीं सकते। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, और हमारे फैमिली के आसपास के लोगों में मैंने ये सारी चीज़ें देखी। और यूजुअली क्या होता है कि एक औरत और आदमी जो एक नया एंगल है कि जिसके लिए हमेशा ये सोचा जाता है, एक बड़ी गलत नज़र से देखा जाता है। लेकिन इस उम्र में जबकि सबसे ज़्यादा आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत होती है, उस समय अगर कोई बिछड़ जाता है और कोई अच्छा दोस्त मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत अलग हो सकती है। तो आई थिंक वही मेन एक मुद्दा है जो इसमें दर्शाया गया है। चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बहुत बदल गई, इमोशंस बदल गए हैं, लेकिन जो बेसिक कनेक्ट है वो अभी भी वही है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ उनको अपनी पकड़ गहरी करनी है। तो बच्चे भाग रहे हैं, ना माँ बाप से कोई कनेक्शन है, ना माँ बाप का बच्चों से कोई कनेक्शन है, सब लाइफ में अलग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है लेकिन वो जो चीज़ है वही हमारा रूट है, हमको ज़रूरत है इस वक्त उसी रूट पे जाने की, जहाँ पे अल्टीमेटली धीरे धीरे अभी मैं देख रही हूँ लोग वापस फैमिली की तरफ जुड़ने लगे हैं, लोगों साथ में खाना खाना और साथ में जाना, साथ में प्रोग्राम बनाना, वापस धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि वो इतने बिखर चुके हैं कि ये टाइम है उनको एक दूसरे के। हाँ, बहुत से लोग अभी व्हाट्सएप में भी देखते हैं, फैमिली विच ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, फैमिली विच ड्रिंक्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, तो बहुत आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी हमारे फ़ायदे के लिए बनी थी,
लेकिन उसने सबसे ज़्यादा नुकसान कर दिया, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को सिर पे बिठा लेते हैं, हम उससे रूल्ड होते हैं, हम उसको रूल नहीं करते हैं, वो हमारी टेक्नोलॉजी किसकी माइंड की वो है, तो हम ह्यूमन माइंड का इन्वेंशन है, तो हम टेक्नोलॉजी से ज़्यादा रूल्ड हो जाते हैं। हम आज घर में बैठ के एक दूसरे से बात नहीं करके हम लोग मोबाइल पे रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी कहीं ना लोगों को, ये बोला गया था कि टेक्नोलॉजी लोगों को करीब लाएगी, पूरे वर्ल्ड को बहुत छोटा बना देगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी ने लोगों को बहुत दूर कर दिया है घर में होते हुए। मेरा ख्याल है लंदन में बैठे हुए दोस्त के हम ज़्यादा करीब हैं बजाय इसके कि घर में दूसरे बेडरूम में हमारा जो दूसरा भाई है। हम अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को सोशल मीडिया पर विश करते हैं, बच्चों को जिनको हम घर में एक हग करके किस करके प्यार से हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, लेकिन हम लोग मीडिया में जाके बोलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे कितने लाइक्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, तो ये पागलपन शुरू हो चुका है और ये एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अब धीरे धीरे लोग हट रहे हैं, क्योंकि रोज़ अपलोड करना, मुझे लगता है जो रोज़ अपलोड करते हैं चीज़ों को वो सबसे ज़्यादा लोन लिए। आप बताएं। मैंने तो आपको बताया कि इसमें जो मुद्दा है कि एक दोस्त की तरह भी एक जो कंपैटिबल आप अपने पार्टनर में आप देखते हैं कि एक एज के बाद जवानी सबकी निकल जाती है, लेकिन एक एज के बाद जो अकेलापन होता है, तो वो अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ नहीं है तो एक दोस्ती का नाता भी है एक, जो जिससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। मतलब हम एक टाइम पे जो इनका फिल्म में जो हस्बैंड है और मैं और ये, हम एक साथ कॉलेज में, तो जब हस्बैंड नहीं रहे और मुझे पता चला कि ये इस दौर से निकल रही हैं, तो मैं बच्चों के सो कॉल्ड चंगुल से इनको निकाल के एक कंफर्टेबल लाइफ देने की कोशिश करता हूँ, जिसको शायद गलत समझा जाए, लेकिन ऑन स्क्रीन उसको जस्टिफाई किया जाता है कि ये जो दोस्ती है ये बड़ी प्योर है और इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है, और ऐसी भी दोस्तियाँ होती हैं, उस उम्र में भी होती हैं, जवानी में भी होती हैं, हर दोस्ती को उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, उसके दूसरे एंगल भी होते हैं, प्योरिटी भी होती है, एक इन्फेस्टेशन ही नहीं होती है खाली। जी सुपर जी, किरदार है एक सच्ची और सीधी माँ जो होती है, जो बच्चों का साथ देती है हर घड़ी में, जो माँ का कैरेक्टर है वही है ऋतिक के स्ट्रगल में, और ये कंबाइंड स्ट्रगल है माँ का दो बच्चों के साथ। ऋतिक बहुत डेडिकेटेड हैं, वो अपने किरदार में काफ़ी डूबे हुए थे, तो आप फिल्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि बहुत ही अलग, क्योंकि हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, जब मुझे भी पता चला कि ऋतिक करने वाले हैं तो मैंने कहा इतना गुड लुकिंग आदमी, और जिसको हम लोग बिल्कुल यू नो दूसरे ढंग से देखते हैं, वो कैसे, लेकिन उसने अपने आप को किस तरह ढाला है और कितनी मेहनत की है वो आप देखेंगे फिल्म में, और ऑफकोर्स अच्छी टीम के साथ आप काम करते तो आपको अच्छा ही लगता है। एक्चुअली मैं मेरी वापसी जो हुई है फिल्म जुगनी से हुई है, जो कि काफ़ी फेस्टिवल्स में जा चुकी है फिल्म, शेफाली भूषण उसकी डायरेक्टर थी, वो मुझे वापस फिल्म में लेके आई, और उसके बाद अनुराग कश्यप की फिल्म की, और उसके बाद एक संजय अमर की फिल्म की है अभी जो गॉगल्स ऑफ राजेश खन्ना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, और ये ऋतिक की है, तो अलग है एटमॉस्फेयर, अलग हो गया, लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत प्रोफेशनली आपको ट्रीट करते हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक साथ मिलके काम करते हैं। थैंक यू थैंक यू सो काइंड, थैंक यू जी जी। मुझे बेहद खुशी है कि मैं हिस्सा हूँ ऐसी फिल्म का ज़िंदगी तुमसे, जो आज के टाइम्स में बहुत ज़रूरी है। इतने बिजी ज़माने में हम रहते हैं, हम बिलीव करते हैं लीनियर फैमिलीज़ में, और जॉइंट फैमिलीज़ का सिलसिला कब से ख़त्म हो गया, हमें बिल्कुल आदत ही नहीं है कुछ। ये नहीं कहती कि रिस्पेक्ट नहीं करते हम बड़ों की, लेकिन हमें अपना फ्रीडम चाहिए, तो उसी के बारे में सोचते हैं, और मेरा रोल रूबरू वही है जो मैं एक्चुअली करती हूँ। और जब मुझे डायरेक्टर मिले और उन्होंने कहा कि आप जैसे हैं मुझे वैसे के वैसे ही चाहिए हैं,
यू नो आई जस्ट वॉन्ट समन हु लुक्स लाइक कम्प्लीटली अ वर्किंग गर्ल, यू नो, जो अपने करियर में ध्यान देती है, कॉलेज में इन्जॉय करती है और जिसे कोई टेंशन नहीं लेना है लाइफ में कि बॉयफ्रेंड है, शादी भी करनी है तो उनसे कहो कि भाई हम अलग ही रहेंगे क्योंकि मैं तो अपने खुद अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती हूँ, मैं तो खुद अकेले रहती हूँ क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ और काम करती हूँ. तो ये किरदार है और जो मैसेज आ रहा है फिल्म से दैट जो मदर्स जो बच्चों को पैदा करती है और इतना कुछ करती है बच्चों के लिए, अपनी जान देती है और बच्चे जब उनको नहीं पूछते हैं तो कैसी फीलिंग होती है, और फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है अगर वो ऐसे बिहेव करते हैं उन बच्चों से. सो आई थिंक इट्स वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी डिलाइटेड बाय दिस रोल. ओ या, मतलब मेरे आंखों में भी आंसू आ गए. तो आई एम प्लेइंग साधना जी के दो बेटे हैं फिल्म में, बड़ा बेटा और ये इनके छोटे बेटे हैं करण कुल्लूर. दोनों बेटे नालायक हैं. उस तरह की नहीं, उस तरह की नहीं, बट इट्स जस्ट दैट ठीक है, लाइफ है तो हम सब सोचते हैं कि हमारा टाइम है तो हमें जीनी है अपनी लाइफ अपने तरीके से. तो ये उनके यंगर बेटे हैं और मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ फिल्म में. और बस इसी पे हमारा झगड़ा होता है कि मैं इनसे कहती हूँ कि मैं शादी तभी करूँगी आपसे अगर मैं अलग रहूँगी. ये बात. Yes, I can't hear you. आप बताएं फिल्म के बारे में. अच्छा, यस, जैसे कि आपने देखा ये फिल्म जो है ये एक मदर ओरिएंटेड है, जो माँ अपने बेटों के लिए इतना सब कुछ करती है. इसमें मेरा जो किरदार है वो एक बहुत ही नालायक बेटे का है जो अपने माँ को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में जाता है और उसको कोई फिक्र नहीं इनफैक्ट उसकी माँ की. तो इनफैक्ट आजकल दुनिया में यही चल रहा है कि हम लोग देखते हैं कि आज एक इंसान के जीवन में अगर एक लड़की आती है तो इंसान कैसे भटक जाता है, अपने माँ बाप को ना वैल्यू देते हुए खुद के हिसाब से जीने लगता है, बाहर जाके खुद रहता है. तो उसी चक्कर में एक माँ को कितनी तकलीफ होती है और बच्चे कितने नालायक हो गए आजकल. तो उस टाइप का किरदार है मेरा इसमें. और जैसे अभी बाकी सिमरन ने तो बता ही दिया पूरी स्टोरी. पर मैं सिर्फ आपको कैसे लगी? नहीं, आपको सिंकैत काम करके तो बहुत मज़ा आया हमें. इट वॉज वेरी इजी टू वर्क विद, एक फ्रेंडली एटमोसफियर था तो उतना कोई स्ट्रेस नहीं था कि होगा नहीं होगा, एक फ्रेंडशिप भी डेवलप होगी उसमें तो, और वो बाकायदा स्क्रीन पे दिखाई देगा. इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि ये है ना बड़ा क्वेश्चन मार्क है, सॉरी मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया नालायक, एक्चुअली इट्स गॉट नथिंग टू डू विद नालायक. हम जिस दुनिया में रहते हैं आज, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, लंदन हो, हम सबको अपना फ्रीडम इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने अपने स्पेस में इतने क्रिएटिव हैं, हम इतने फोकस्ड हैं कि हमें अपना काम करना है. तो रियली यू नो इट इज़, हम ऐसी फीलिंग में ना, ऐसे सिचुएशन में है आज इवन हमारी कंट्री में, स्पेशली भारत देश में, कि हमें समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम अपने अपना तरीका अपनाते हैं. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, दो यू नो इनका किरदार मैं ऐसे कह रही हूँ बट इट इज़ नॉट गॉट टू डू एनीथिंग विथ नेगेटिविटी, क्योंकि आज अगर शायद ये भी शादी करेंगे तो शायद इट्स डिफ़िकल्ट फॉर टू माइंड्स टू मैच बिकॉज जनरेशन गैप है. अगर हम हमारे माँ बाप से भी हमारी सोच नहीं मिलती है तो दूसरे के माँ बाप से कैसे मिलेगी. सो आई थिंक ये डायलेमा सभी घर में हो रहा है, सभी लोग फेस करते हैं और उसका हमने सोल्यूशन किस तरह से बताया है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और जिस तरह से स्टोरी लाइन गई है आई थिंक दैट इज़ रियली अमेजिंग. मतलब मुझे भी खुशी होती कि ऐसा भी हो सकता है. इवेंचुअली मेरा ये कहना है कि हाँ, मैं नालायक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जो एज में हमारे मॉम को हमने सपोर्ट करना चाहिए, एक बुढ़ापे में उनका हाथ पकड़ के जो चलना चाहिए, तो वो किरदार नहीं कर रहा है मूवी में, तो इसलिए नालायक. बाहर तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि माइंड मैच नहीं होते तो अलग अलग रह ही जाते सब लोग, पर तभी भी वो एक थोड़ा सा फैमिली बॉन्ड जो है वो होना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट ये मूवी जो है इसमें कॉमेडी है, लव एंगल है, सब कुछ है इसमें, तो ये पूरा मसालेदार मूवी है तो आपको सबको मज़ा आएगा इनफैक्ट देखने के लिए. जी जी कुछ अपील
किससे अपील करना चाहूँगी? व्यूअर्स से। ओ यस, मैं मतलब बेहद खुश हूँ ऑनेस्टली। आज तक आई मीन आप लोग मुझे देखते आए हैं, बट मैं हमेशा एंकर करती हूँ शोज़ या फिल्म रिलीज या प्रेमियर हो, लेकिन मैंने किसी को भी अपने फिल्म के बारे में नहीं बताया था। सिर्फ गिने चुने आई थिंक 2-4 लोग हैं जो जानते थे इसके बारे में, और इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं चाहती थी कि ऑफिशियल जब होगा तब होगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं व्यूअर से कहना चाहूँगी, प्लीज़ आई नीड योर लव एंड सपोर्ट नाउ एट दिस जंक्शन। मुझे आपका प्यार चाहिए एंड इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट फिल्म, क्योंकि जब मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं तो मुझे लोग पूछते हैं दैट हाउ इज़ इट दैट आपने अब तक फिल्म नहीं की। तो मैं जब हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिली, एक्चुअली मैं इनका एक प्रीमियर देखने गई थी फिल्म का, और जब मैं वहाँ से आ रही थी, लौट रही थी, तो मीडिया ने मुझे पूछा आपको कैसे लगा फिल्म करने में। ऐसे मैं फिल्म में हुई नहीं, और मैं वहाँ से भाग गई, और उसी फिल्म में मुझे उसी हफ्ते मुझे फ़ोन आया प्रोड्यूसर सर का कि डायरेक्टर मुझसे मिलना चाहते हैं, एंड आई वॉज साइन। तो मैंने कहा कि या आई वॉन्ट टू डू अ वेरी क्लीन रोल, यू नो आई मैं बहुत अच्छा रोल करना चाहती हूँ, वेर आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी बेडरूम सीन और यू नो एनी किसिंग सीन। दे सेड या दैट इज़ द रोल यू हैव, एंड आई वॉज ऑन। सो दैट इज़ हाउ आई थिंक आई गॉट दिस रोल। इसलिए मैंने इतने टाइम के बाद ये फिल्म की है, आई मीन आफ्टर आई वन माई टाइटल मिस इंडिया मैग्निफिसेंट 2013 में। सो प्लीज़ आई नीड योर लव एंड गिव मी ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड आई एम ट्रूली एक्साइटेड। खूबसूरती के राज का, डू वॉट यू लव, मैं वही करती हूँ जो मेरी चाहत है, एंड आई थिंक यू विल बी सुपर हैप्पी एंड ब्यूटिफुल। देखिए, हर कलाकार या हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छी फिल्म बनाऊं, पर कई बार क्या होता है कि कोशिश करते करते ऐसी चीज़ बन जाती है कि जिसकी कल्पना ही हमें नहीं होती। यह पिक्चर शुरुआत में जब हमने शुरू की तब हमें ये उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरह से ये पिक्चर बन पाएगी, इतनी अच्छी पिक्चर में हमारे घरों में हमारे भारतीय परिवारों में कि जो एक कहानी है, जो एक वास्तविकता है, उसको हमने एक अच्छे मनोरंजन ढंग से और खाली समस्या ही कोई नहीं उठाया, समाधान भी बताया कि जैसे हमने बताया कि भाई कई लोग जीवन के सफ़र में अकेले हो जाते हैं, अपने साथी को खो देते हैं, तो उनके लिए भी ज़िंदगी अभी बाकी है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, उम्मीद न छोड़ें, अपने साथी को ढूंढें, किसी भी साथी को ढूंढें और साथी के साथ बाकी का जीवन बिताएं, मित्र बनकर बिताएं, दोस्त बनकर बिताएं, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को खुशियां बांटें, तो आपकी ज़िंदगी और सामने वाले की भी ज़िंदगी खुश होगी। यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके हम चले हैं। आज का दौर जो है, आज का जो समाज है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, यू नो, आपने ऐसी कौन सी बातें ऑब्जर्व की है और आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी बातें होंगी जो रिलेट करेगी आज के दौर से? इसमें एक दो बातें हैं कि जैसे एक सीन में आपने देखा होगा कि सास अपने बहू से बोलती है कि शादी के टाइम तुमने कहा था बहू कि मुझे घर के किसी कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ कि तुम्हारे घर में मुझे रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। आज दिल इतने छोटे हो गए हैं कि बुज़ुर्ग लोग पसंद नहीं आते कि भाई हम उनका बच्चे उनका बोझ उठाएं और बच्चे उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जबकि वही बच्चे जिन्हें छोटे से बड़ा करने में वो पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, माँ बाप अपना सब पूरी धन दौलत पूरी अपना जान लगा देते हैं, वही बच्चे बड़े होने के बाद भूल जाते हैं कि भाई माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। कमेंट में आपके पहले आपके सवाल पे आऊँगा कि जो आपने बोला है कि इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो, प्रॉब्लम यही है क्योंकि हमको ये प्रॉब्लम दिखती नहीं, हर दूसरे घर में ये प्रॉब्लम है। लाइक अगर आपके घर में चोरी होती है, कंप्लेन होता है, अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है, कंप्लेन होती है, लेकिन ये पहला ऐसा क्राइम है जिसकी कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि ये क्राइम किसके साथ होता है? माँ और बाप के साथ। तो इस पहले तो मैं मनमानी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस रेयर जो प्रॉब्लम है उन पर कॉन्सनट्रेट किया, और जब हमने डिस्कस किया था ये सब्जेक्ट तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला था कि सब्जेक्ट है, लेकिन जब मैं इसमें डीप में गया और मैंने थोड़ी सी ये इसमें सोचा तो देखा तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में कि हर एक घर इससे पीड़ित है, हर एक माँ बाप। तो उसके बाद जब हमको कास्ट मिले, लाइक साधना जी मिली, राजेश पुरी जी समान, तो ये तो बनना ही था। देखिए, साधना जी आप देख ही रहे, उनका फेस इतना इंस्पिरेशनल है,
नहीं बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट था और फेस इंस्पिरेशनल चाहिए था, जो इसको आपने ट्रेलर में देखा होगा कि ये रियलिस्टिक बनते जा रहे हैं इस चीज़ को, जबकि वो साधना जी बहुत खुश है अपनी लाइफ में, वो हमेशा खुश रहे हमारी दुआएं, बट इस चीज़ को उन्होंने जितना दिल से ऑब्जर्व किया और परफॉर्म किया वो माइंड ब्लोइंग था। इवन मैं एक शॉट या एक टेक लेने के बाद और हम लोग उसको एनहांस करते थे, क्योंकि हमको जो रेस्पॉन्स मिल रहा था वो अमेजिंग था। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि एक सोच, अगर हम देखिए इतनी मेहनत करने के बाद, हमने मेहनत से पैसा, अपने मनमान जी ने बहुत पैसा बहाया इस फिल्म में, हमने मेहनत की है बहुत लोगों ने, और अगर हम 1% को भी चेंज कर पाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड और अवार्ड होगा। अगर 1% भी ये सोचता है कि नहीं, जिस तरह से माँ बाप ने बचपन में जब हमें ये एहसास नहीं था कि हम गंदगी कहाँ करते हैं, पेशाब कहाँ पर करते हैं, तब संभाल लिया, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि जब वो ऐसे हो जाएं बुढ़ापे में हम उनको संभालें? मतलब उनको एक कचरा, एक टिश्यू पेपर लेके हम वृद्धाश्रम में भेज दें और छोड़ दें, ये सोच के हमने अपना फ़र्ज़ अदा करके उनको पैसे दे रहे हैं मंथली, बट उन इमोशंस का क्या जिन्होंने अपना सब कुछ हमको दिया, अपनी प्रॉपर्टी हमारे लिए जिए वो, या हमारे जन्म लेने के बाद उनका जीवन तो एक तरह से ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि हर कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए जीता, तो क्या ये उम्मीद रहती कि बाद में जब ये बड़ा हो जाएगा और मुझे वृद्धाश्रम में मरने के लिए छोड़ेगा? तो अगर इस फिल्म से हम 1% भी चेंज कर पाते हैं तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन होगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक राजेश पुरी जी का डायलॉग है कि जिंदगी से किसकी यारी, जिंदगी से किसकी यारी, आज किसी और की तो कल हमारी बारी, और किसी आज किसी और की तो कल हमारी बारी। मतलब जिंदगी में हमको हर किसी को जाना है, पर जब तक हम जिए तो खुशी से जिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटें। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है कि भाई रोने से ज़िंदगी नहीं कटेगी, आप हंस के ज़िंदगी काट सकते हो, दूसरों को भी हंसा सकते हो, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इस फिल्म में सबसे बड़ी बात जो हमने दिखाई है वो ये है कि आप चाहे या ना चाहे आपका जो काम होता है वो कर्मा से कनेक्ट होता है, आप जैसा करते हो आप वैसे ही भरते हो। यानी अगर हम ये सोचें कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकालूं और मेरे बच्चों को खुशी मिलेगी, गलत है, मेरा बच्चा भी वही सीख रहा है। मैं अपने मम्मी डैडी को घर से बाहर निकालूंगा, मेरा बच्चा सीख रहा है, और 100% उस एज में मुझे भी वो घर से बाहर निकालता है, ये इस फिल्म में हमने दिखाया। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जो जिसको देख के एक इंसान का नज़रिया बदल जाएगा मम्मी डैडी को लेकर। बाकी ये छोटी जो बातें होती है डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ होता है वो हर घर में होता है, लेकिन उनको कैसा हमको टैकल करना और एडजस्ट करना है वो इस ये फिल्म ने सिखाया। तो आज की तारीख में ये फिल्म सबसे डिफरेंट है, हमारा ये मानना है कि हमने बिल्कुल कमर्शियलिज्म पे ध्यान नहीं दिया, हमने स्टार कास्ट पे ध्यान नहीं दिया, हमारे सबसे बड़ी स्टार कास्ट साधना जी, राजेश पुरी जी और सिमरन जी ये सब लेके, लेकिन हमने कंटेंट पे ध्यान दिया। जी थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं अपनी जो सेविंग्स है वो हमें दी कि भाई आप पिक्चर बनाओ, जबकि ये एक बहुत बड़ा रिस्की बिजनेस है, घाटे का सौदा हो सकता है, पर उन्होंने हमें हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया, इसलिए उनको धन्यवाद।